चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के ऊपर होने वाले रिएक्शंस की मदद से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटॉमिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उससे रिलेटेड क्वांटिटीज मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और फाइनली एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर मास इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। एटॉमिक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं उनसे मिलकर बनता है। ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से। इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं जिस तरह जमीन के गिर्द सैारे ऑर्बिट कर रहे हैं, मगर एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज ओवरऑल एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। एटम का साइज न्यूक्लियस की बनस्पत 10^5 टाइम्स होता है। इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर एटम खाली स्पेस होती है क्योंकि सिर्फ एटम का मास होता है और जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं वो ज्यादातर खाली होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10^2 टाइम्स लार्जर देन द न्यूक्लियस, 10^3, 10^4 या इक्वल टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हमारी बुक में गिवन है कि एटम 10^5 टाइम्स लार्जर होता है न्यूक्लियस से, मगर चूंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो हम इसका करीब तरीन ऑप्शन मार्क कर सकते हैं जो कि 10^4 है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, हमने देखा कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब हम एटॉमिक न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ अहम क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास शामिल है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। इसी की वजह से हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जिस एलिमेंट के एटॉमिक न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स होते हैं वो हीलियम होता है, जिसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो कार्बन होता है, एंड सो ऑन। चूंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इसलिए अगर आप एक न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज देखना चाहते हैं कि कितना है तो आप सिंपली एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें चार्ज जो कि एक प्रोटॉन होता है उससे। एक प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है ऑपोजिट साइन के साथ, तो यूं आपके पास टोटल चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा। और ओवरऑल चार्ज कितना होता है एक एटम के ऊपर जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं, यूजुअली एटम न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे होंगे, तभी टोटल चार्ज न्यूट्रल होगा। इसलिए अगर कोई पूछे उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक एटम के अंदर तो वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो एक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसको हम मास नंबर कहते हैं। फॉर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर जेड एंड एटॉमिक वेट, जो कि मास नंबर को एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ए द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज। एटॉमिक वेट या मास नंबर हमें क्या बताता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं न्यूक्लियस में से तो हम मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर दें जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो ए माइनस जेड इसका सही जवाब है। फॉर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर जेड एंड एटॉमिक वेट ए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। उन्होंने हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ये हम इस तरह बता सकते हैं कि एक एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है मास नंबर के बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जेड के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। सिलिकॉन हैज जेड इज इक्वल टू 14, यानी एटॉमिक नंबर 14 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर 14 है, इसलिए उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स भी 14 होंगे। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज, अब सिलिकॉन के गिर्द कितने ऑर्बिट्स होते हैं और हर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमने इस बुक में नहीं पढ़ा, मगर ये MCQ इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अहम सेमीकंडक्टर्स हैं और इनका स्ट्रक्चर हमने इसलिए पढ़ा कि हमने कहा कि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपस में दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ 4
कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब फोर इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? क्या वो पार्शली फिल्ड है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, हाफ फिल्ड है या एम्प्टी है? इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एटम का, और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें नहीं पता. तो हम उसको फिर कॉमन सेंस से क्या कह सकते हैं कि पार्शली फिल्ड है या कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है? अगर वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होते तो वो साथ वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स ना बनाते, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होने का मतलब होता है कि वो रिएक्ट नहीं करते, ना वो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है. जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नोबल गैसेस होती हैं उनके सारे शेल्स फिल्ड होते हैं, सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, लेकिन सिलिकॉन के अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स कम हैं क्योंकि ये चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है सिलिकॉन वाले के साथ. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पार्शली फिल्ड है. हमने कहा कि हम एक एलिमेंट को कैसे पहचानते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके हिसाब से. अगर दो प्रोटॉन्स हैं तो वो हीलियम है, अगर सिक्स प्रोटॉन्स हैं तो वो कार्बन है. मगर देखा गया कि कार्बन के ऐसे सैंपल्स दुनिया में आइडेंटिफाई किए गए जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सिक्स थे मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेवन थे, और किसी केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिक्स थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट थे. और असल में कैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादातर एक जितने होते हैं. तो ऐसा कार्बन जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो 90% कार्बन दुनिया में पाया जाता है जिसमें सिक्स प्रोटॉन्स और सिक्स ही न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो अब इन तीनों केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिक्स हैं इसलिए ये तीनों कार्बन के एटम्स हैं, मगर चूंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हैं इसलिए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको कहते हैं कि ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं. और इनका मास नंबर सिक्स और सिक्स, इसका मास नंबर बनता है 12, इसका मास नंबर बनता है 14, इसका मास नंबर बनता है 13. इनको हम कार्बन 12 या कार्बन 14 या कार्बन 13 कहते हैं, और इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. इस तरह हर एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक जितने होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं. द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज डिटरमिंड बाय बाइंडिंग एनर्जी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ आइसोटोप्स या मास नंबर. केमिकल बिहेवियर का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो सारे कुलम्बिक फोर्स की वजह से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो अट्रैक्शन होती है. एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. तो केमिकल बिहेवियर सारा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है. इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि केमिकल बिहेवियर एटम का डिटरमिंड बाय बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं होता इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता. नंबर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जितना होता है और न्यूट्रॉन्स का नंबर मुख्तलिफ होता है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता. एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जो कि हमें बताता है टोटल कितने चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके ऊपर केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है. चौथा मास नंबर, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो ये हमें प्रोटॉन्स तो बताता है लेकिन प्लस न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. न्यूट्रॉन्स का चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए मास नंबर हमें ट्रू पिक्चर नहीं देता. एटॉमिक नंबर दरअसल डिटरमिन करता है कि उसका केमिकल बिहेवियर क्या है. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं जैसे कार्बन 12 या कार्बन 14 वो केमिकली एक ही तरह बिहेव करेंगे. अगर आपने केमिकल रिएक्शन कराना है तो आप कार्बन का कोई भी आइसोटोप यूज कर सकते हैं, वो उसी तरह बिहेव करेगा. फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर आप H2O का रिएक्शन कराना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी, आप इसके अंदर कार्बन का कोई भी आइसोटोप यूज कर सकते हैं, वो एक ही तरह बिहेव करेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के सारे आइसोटोप्स में एक जितने होते हैं. आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट. आइसोटोप्स हमें पता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स सेम होते हैं. प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है मास नंबर. तो मास नंबर उनका मुख्तलिफ होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है. फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर. ये एक एग्जांपल में दिया हुआ है, आयोडीन 131. न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर चूंकि हम न्यूक्लियस को और उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे होते हैं और उनका मास बहुत छोटा होता है, तो हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 × 10⁻²⁰ kgs. तो अगर हम बार बार ये पूरा फिगर लिखेंगे और उसके आगे डेसिमल प्लेसेस भी होती हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है, इसलिए हमने एक स्पेशल क्वांटिटी डिफाइन किया जिसको यूनिफाइड मास स्केल कहते हैं, जो कि हमें न्यूक्लियस के लेवल पे मासेस को डिफाइन करने में मदद देता है.
इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वन यूनिफाइड मास स्केल बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसका 1/12 हिस्सा एक यूनिफाइड मास स्केल की यूनिट के बराबर है, और ये बराबर होता है, तकरीबन बराबर होता है, वन यूनिफाइड मास स्केल तकरीबन बराबर होता है एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के बराबर। इस स्लाइड में हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं कि उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, उनका मास कितना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ये मास में एक जितने होते हैं, मगर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन, इनमें मास से बहुत कम होता है मगर उसका चार्ज प्रोटॉन के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो इसको हम देख सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन एक जितना है, 1.6727 है प्रोटॉन के केस में, और न्यूट्रॉन के केस में थोड़ा सा बड़ा है, और चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन दरअसल असल में एक प्रोटॉन होता है और साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल ये पार्टिकल न्यूट्रल होता है, और इसका मास थोड़ा सा बड़ा है प्रोटॉन से, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास भी शामिल है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बहुत छोटा होता है, 1/2000 टाइम्स उससे छोटा होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, और इसका मास हम देख सकते हैं कि बाकियों से कम है। अ ग्राम मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स, मोल क्या होता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि 1 मोल में हमेशा 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स या यूनिट्स होते हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आइंस, जो भी चीज हम काउंट करें। ये ऐसे ही है जैसे 1 dozen या 1 दर्जन में हमेशा 12 यूनिट्स होते हैं, इस तरह 1 मोल के अंदर हमेशा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये यूनिट इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि कई दफा हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेम रख के उनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम कार्बन के इतने पार्टिकल्स ले सकते हैं, इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोस नंबर के बराबर कार्बन के और आयरन के बराबर मोल्स लिए और उनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये इतना मास कवर करते हैं, ये इतना मास कवर करते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, 1 gram mole ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स, इसमें 4 ऑप्शन हैं जिसमें से एक ऑप्शन एवोगैड्रोस नंबर है। अब अगर ये सवाल होता कि 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स, तो हम आराम से ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते थे, मगर ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अ ग्राम मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अब इसका क्या मतलब है, ग्राम मोल क्या होता है, मोल्स को हम ग्राम्स में तो मेजर नहीं करते, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन एक दी जा सकती है कि शायद उनका ये मतलब हो, वो ये है कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जो जिसका वेट 1 gram है, और हमें अब 1 gram में कितने मोल्स आते हैं ये तो हमें नहीं पता हो सकता, क्योंकि हर एक डिफरेंट सब्सटेंस के 1 gram में मुख्तलिफ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि सब एलिमेंट्स के मुख्तलिफ न्यूक्लियस के मुख्तलिफ मास होते हैं, तो जिसका न्यूक्लियस बड़ा होगा वो उसका वेट ज़्यादा होगा ग्राम्स में। एक मोल का हो सकता है उसके 100 grams बने, और एक और एलिमेंट जिसका एटॉमिक न्यूक्लियस बहुत छोटा है उसका 1 mole हो सकता है 1 gram के अंदर ही पूरा आ जाए, इसलिए हमें ये नहीं पता कि कितने मोल्स हैं, मगर हमें ये पता है कि 1 mole के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इस केस में हम क्या मेजर करें, एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो हम कहते हैं पार्टिकल जो है हमारा वो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, इतने एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं 1 mole के अंदर। अगर हमें एक चीज होती है कन्वर्जन फैक्टर जो कि हमें बताता है मोल्स पर ग्राम, और वो हर सब्सटेंस का हम किसी इंटरनेट से देख सकते हैं या किसी बुक से देख सकते हैं कन्वर्जन फैक्टर मोल्स पर ग्राम में, अगर हमें वो पता हो तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमने कितने ग्राम चीज मेजर करनी है। हमारे केस में 1 gram है, 1 gram के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, जो कि ये चीज मिसिंग चीज, हमें ये नहीं पता था कि कितने मोल्स हैं। इस कन्वर्जन फैक्टर से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो फिर उसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ एवोगैड्रोस नंबर से, क्योंकि 1 mole में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, तो मुझे पता चल जाता कि टोटल कितने एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं और मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर सकती थी। मगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है और मुझे उनके क्वेश्चन का सही तरीके से समझ भी नहीं आ रही कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, इसलिए मैं यही रिज्यूम करती हूँ कि उन्होंने शायद यही पूछना चाहते थे कि 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं, जिसका ऑप्शन सी है। अगर हम ये कहें कि 1 gram mole उन्होंने पूछा हुआ था तो भी मैं ऑप्शन सी करेक्ट करूंगी, क्योंकि एक चीज़ होती है ऑर्डर, और अगर आपको
शायद अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत भी है तो एटलीस्ट आंसर में ऑर्डर मैटर करता है. 10^23 और 10^21 में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए हम ऑर्डर के हिसाब से 10^23 इन एनी केस करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आखिर ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है और एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर. मास ऑफ प्रोटॉन हमने देखा अभी के 1.6 × 10^-27 होता है. हमें ऑर्डर याद होना चाहिए, इन सारों में ऑर्डर मुख्तलिफ है, तो ऑर्डर -27 ए ऑप्शन ठीक है. 1.67 × 10^-27 ये वैसे भी हमें याद अब तक हो चुका होना चाहिए. चार्ज ऑन द प्रोटॉन, चार्ज -19 उसका ऑर्डर होता है तो, और लेकिन उन्होंने पूछा है प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव साइन के साथ 1.59 × 10^-19 ए की ऑप्शन है. इसको 1.59 या कुछ केसेस में 1.6 राउंड ऑफ करके लिखा जाता है × 10^-19 कूलम. न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ऑप्शन बी इसका जवाब. अगर हम एक एटॉमिक न्यूक्लियस का मास पता करना चाहते हैं तो हमें पता है एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. हम काउंट करें कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनको उनके मास से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाना चाहिए. मसलन कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 12. 12 को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन एक जितना होता है, 1.6 × 10^-27 किलोग्राम्स. तो इतना हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस, कार्बन न्यूक्लियस होना चाहिए, मगर जब मेजर किया जाए गया उसको फिजिकली तो वो इतना नहीं होता, उससे कम होता है. इस चीज़ को हम कहते हैं मास डिफेक्ट, यानी कुछ मास मिसिंग है. तो साइंटिस्ट इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जो मास डिफेक्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और उस एनर्जी का मकसद क्या होता है कि वो एटॉमिक न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है, उसको बाइंड करके रखती है, इसलिए उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. तो जो हम मेजर करते हैं, मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि इस मास से कम है, प्लस बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी को बेसिकली अगर आप कन्वर्ट कर दें E=mc² से मास में कन्वर्ट कर दें, एनर्जी अगर आपको पता है तो आप उसको इस इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास मास आ जाएगा वो वाला मास प्लस जो मेजर्ड मास है वो बराबर होगा इस क्वांटिटी के. यानी थियोरेटिकल मास से जो अमाउंट मिसिंग है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, वो एटॉमिक न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है.